अभी मैं फिर से आया हूँ जायका चाइनीज सेंटर की किचन में, जो कि फोर्ट एरिया में। और आज हमारे साथ है शेफ़, आपका नाम क्या है? महबूब आलम। शेफ़ महबूब आलम, कितने साल से आप मतलब होटल इंडस्ट्री में? 18 साल से। 18 साल का एक्सपीरियंस है। और आज हमारे साथ वो शेयर करने जा रहे हैं एग मायोनीज रेसिपी, जो नॉन वेज मायोनीज रेसिपी होती है वो। तो शेफ़ स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या हम मायोनीज बनाने के लिए यूज़ करने वाले? पहले हमने 3 अंडा का ओके तो ये 3 एग लिए, जिसमें से उनका जो जर्दी होता है वो निकालिए, सिर्फ वाइट जो होता है वो लिए और वो मिक्सर में डायरेक्ट डाल दिए उन्होंने। तो ये 1 लीटर मायोनीज बन रहा है, तो उसके लिए 3 अंडा और ये समझो 10-12-15 ओके 15 लगभग लहसुन का जो दाने होते हैं वो डालें, 3 चम्मच शक्कर ओके सो ये बड़ा चम्मच है सो उसमें 3 चम्मच शक्कर डाल दिए, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच नमक, ये क्या डाल, ये विनेगर डालने जा रहे हैं 2-3 बूंद ओके सो ये विनेगर डाले मतलब एक छोटा चम्मच विनेगर। हाँ। और अभी मिक्सर में इसको ग्राइंड कर लेंगे, ढक्कन डाल दिए तो बंद कर दिए। हाँ अच्छे से बंद कर लो। और कितने टाइम तक इसको करना है ग्राइंड? अभी आहिस्ता आहिस्ता तेल डालते रहेंगे ऑयल। अच्छा इसमें बनते जाएगा। अच्छा तो अगर जैसे अभी किसी के पास ऐसा मिक्सर नहीं है कि जो ऊपर से ऐसा खुला वाला है, तो फिर उसमें डायरेक्ट तेल डाल के भी ग्राइंड कर सकते हैं ना? पहले उसको ढक्कन ढक के थोड़ा सा तेल डाल के बनाना पड़ेगा। अच्छा फिर बाद में होएगा। ओके यानी पहले थोड़ा सा तेल उसमें मिला के और फिर मिक्सर चला, हम चालू कर रहे हैं। ठीक है तो ये लगभग 1 लीटर का तेल का पाउच था, आधा लीटर आपने तेल डाल दिया और मिक्स करते मतलब जो ग्राइंडर है वो चालू ही था। अभी थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। ओके तो अभी ये ओपन किए तो कुछ ऐसा दिख रहा है ये, और वैसे ही मायोनीज की तरह पूरा दिख रहा है। थोड़ा पानी डाल कर। ओके तो ये 1 लीटर का बन रहा है, तो उसमें अभी आधा लीटर उन्होंने तेल डाल के और ग्राइंडर चलते चलते वो किए। अभी उसमें थोड़ा सा पानी लगेगा ताकि मिक्सर को घूमने के लिए। अच्छा तो ये जो पेस्ट है वो थोड़ा कैसा ठीक हो गया गाढ़ा सा, तो अभी इसको थोड़ा सा पानी डाल के और फिर उसके बाद फिर से ग्राइंड करेंगे। सो ये मेजरमेंट के लिए थोड़ा सा मतलब कितना, ये 1 टेबल 2 चम्मच पानी डाला। अच्छा 2 चम्मच पानी और डाल के थोड़ा सा हिला लिया उन्होंने। अभी फिर से ग्राइंड करें। तो बीच बीच में ऑयल और पानी थोड़ा थोड़ा डालते रहना कि वो जब ठीक मिक्सर पे वो घूमे बराबर। ओके तो आपने जैसा वीडियो में देखे चालू ही, हाँ चालू ही है।
है ना वो हिसाब से मैं यूज कर लेगा। रेडी हो गया, रेडी हो गया। So, मतलब जब गाढ़ा हो जाए तो बीच में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के चलाते रहें। ठीक है, हो गया ना। हाँ, एक सो अभी इसको ये जो है माइनस रेडी हो चुका है, देख सकते हो कितना ठीक है। ये सिर्फ 3 एग जो वाइड होता है उससे बना है और 1 लीटर ऑयल जो डाले हमने, इसमें और कुछ नहीं करना है। रेडी हो गया ना, ये देखो ना, आप थोड़ा सा चक्के दो। हाँ दो, वाकई अच्छा है ना। हाँ, तो आप ये ट्राई कर सकते हो घर में भी, या फिर यहाँ पे ये मायनूस जो है शावरमा के लिए रेडी किया गया है, तो अगर आपको शावरमा टेस्ट करना है तो आप जायका चाइनीज सेंटर पे आके टेस्ट भी कर सकते हो, जो कि फोर्ट एरिया में।